नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार, मेरे YouTube चैनल ऑल प्रिपरेशन ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश 50 मार्क्स में द लेक इजले ऑफ इंसफेरी का समरी पढ़ेंगे। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द लेक इजले ऑफ इंसफेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको लिखा है WB येट्स के द्वारा। इसका मतलब होता है आइंस फ्री इसले, इसको इसले इसले हम लोग इसको बोल देते हैं, पर इसले हिंदी में इसले बोलते हैं। इसको भी दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला पूछ देगा राइट द समरी ऑफ द पोयम द लेक इजले ऑफ इंसफेरी। एक तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको तो समरी पता चल जाएगा कि यार समरी इसका लिखना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया तब क्या गिव अ क्रिटिकल एप्लीकेशन ऑफ द पोयम द लेक इजले ऑफ इंसफेरी, तो आप लोग कंफ्यूज आ जाइएगा। कंफ्यूजन कभी नहीं करिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब भी होता है आपको समरी ही लिखना, इसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में। तो अब हम लोग इसका समरी पढ़ते हैं। द लेक इजले ऑफ इंसफेरी इज अ वेरी पॉपुलर नेचर लिरिक्स रिटन बाय द फेमस मॉडर्न पोएट WB Yeats। यह जो है बहुत ही प्राकृतिक कविता है, जो कि फेमस कवि, जो आधुनिक कवि है, WB Yeats के द्वारा लिखा गया है, आधुनिक कवि। इन दिस पोयम द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू गो अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेंशन एंड एंग्जायटी टू द पीसफुल एंड ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ इंसफेरी। कवि कहते हैं कि यह कवि कहते हैं कि टेंशन फ्री दुनिया से हम एक जगह जाना चाहते हैं जिसका नाम है इजले ऑफ इंसफेरी, आइलैंड ऑफ इंसफेरी। यह एक जगह है, वहां कभी जाना चाहते हैं, क्योंकि उसको टेंशन और एंग्जायटी मतलब चिंता से दूर रहना है। इसलिए कभी कहते हैं कि हमको अब यहाँ नहीं रहना, हमको अब कहीं ऐसा जगह जाना है जहां शांति पूर्ण रहे। उसी जगह का नाम कभी कहते हैं इंसफेरी है। इट इज प्रेजेंट नियर हिज नेटिव प्लेस। यह जो है कभी मतलब जो है WB Yeats के घर के नजदीक ही है। He wants to build a cottage of clay and wattles there. कभी वहां झोपड़ी बना के, कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी बना के रहना चाहते हैं। He would put up a heap for honey bees and enjoy the peace. कभी कहते हैं क्या हम वहां मधुमक्खी का छत्ता देखकर enjoy करना चाहते हैं। He is hurt like this place. उसका जो दिल है यह जगह बहुत ही पसंद करता है। पीस वो कम्स इन द मॉर्निंग मिस्ट इज मोस्ट प्लीजेंट एंड एट इवनिंग द लिनेट्स रिटर्निंग टू देयर नेस्ट वुड बी मोस्ट इंचेंटिंग। कभी कहते हैं क्या सुबह का जो पीस्ट जो है, मिस्ट जो है, वह बहुत ही आनंदित, एंड इन द इवनिंग द लिनेट्स रिटर्निंग देयर नेस्ट, और शाम में जो वह मिस्ट जो है जब आते हैं तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि सुबह कोई जाता है तो कभी जो है WB Yeats उसको बहुत ही अच्छा लगता है, और जब वह सुबह और जब वह शाम में फिर अपने घोंसले पे आते हैं तो यह देखकर कभी का हृदय बहुत ही प्रफुल्लित हो उठता है। ही वुड बी लिसनिंग टू द लेपिंग ऑफ द लेक वाटर दैट वुड फील्स इन द माइंड एंड हर्ट पीस एंड ब्लीज। कभी कहते हैं जब वह किसी पानी का आवाज सुनता है, झरने का, तो उसका दिल बहुत ही आनंदित और शांति प्रतीत करता है, और उसको बहुत ही मनोरंजन आता है जब इस प्रकार का आवाज वह सुनता है। तो द फीलिंग ऑफ द पोएट्स आर फुलफिल ऑफ एंजॉयमेंट, द फीलिंग ऑफ द पोएट आर फुलफिल ऑफ एंजॉयमेंट। वह जो है उसका एंजॉयमेंट जो है यही सब चीज देखकर होता है, आनंद इसी सब चीज, जैसे पहाड़ से झरना का पानी गिरना मतलब झरना का आवाज, फिर मिस्ट का सुबह जाना, फिर उसका शाम में आना, यही सब देखकर वह कहते हैं क्या शहर का जिंदगी छोड़कर वह अपने जो पास में गांव है वहां इंसफेरी जो है वहां जाना पसंद करते हैं। ही विशेष टू स्केप फॉर्म द चेज एंड टेंशन ऑफ सिटी लाइफ। कभी कहते हैं शहर में बहुत ही टेंशन है, तो उसको छोड़कर वह
इंस्पेरी जो उसका गांव है उसी के पास गांव के पास जो है इंस्पेरी वहां वह जाना पसंद करते हैं। ही लाइक्स पीसफुल एंड कलरफुल लाइफ, वह एक शांतिपूर्ण और कलरफुल मतलब सुंदरता से भरा हुआ अपना जिंदगी जीना चाहते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग नेचर पोएम, यह जो कविता है यह पूरा प्राकृतिक कविता है। जैसे कि आप लोग देख सकते थे, आपको बताएं क्या उस समय जो था मतलब मिस्ट जो था सुबह जाता था और फिर शाम में आता था, फिर झरना का आवाज, इस सब जो था मतलब कवि जो है डब्ल्यू बी येट्स को बहुत ही आनंदित प्रदान करता था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह जो है पूरा प्राकृतिक कविता है। अब हम लोग इसका कुछ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश नोट्स पढ़ लेते हैं ताकि आपको इसका समरी पता चले क्या उसका मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, क्या हम ये शब्द जैसे इसमें बहुत आपको लगा होगा क्या शब्द नहीं जानते हैं, तो उसका हम कुछ हिंदी में बात बताते हैं ताकि आप लोग इसका अच्छा से अगर आप लोग फिर पढ़ें तो अच्छा से आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग इसका दिखाते हैं क्या होता है हिंदी में, देखिए आप लोग देख सकते हैं। एक्सप्रेस्ड मतलब होता है व्यक्त किया, लेक मतलब होता है झील, है मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता है, इनचेंटिंग का मतलब होता है आनंद, ब्लिस मतलब होता है आनंद, एनेक्सिटी मतलब होता है चिंता, कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी, मिस्ट मतलब होता है मुलायम, लेपिंग मतलब होता है गोद में, और चेस मतलब होता है अराजकता। बस इतना ही, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।